ब्लॉगर पार्ट 5। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ब्लॉगर की SEO सेटिंग। आपने ब्लॉगर की सेटिंग सुना होगा, SEO सेटिंग नहीं सुना होगा। अगर आप लोग ब्लॉगर की सेटिंग करते हो तो ठीक है, आपका ब्लॉग सेटअप हो जाता है, लेकिन अगर जब तक आप लोग ब्लॉगर की SEO सेटिंग नहीं करोगे, आपका ब्लॉग गूगल की सर्च में नहीं आएगा, गूगल की सर्च में नहीं आएगा, उस पर ट्रैफिक नहीं आएगा, ट्रैफिक नहीं आएगा तो आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा तो अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हो तो आप लोगों ने ब्लॉगर की SEO सेटिंग देख लेनी है, कैसे होती है, वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, एक पॉइंट भी मिस नहीं करना। बहुत ही यहाँ पे माइनर सी चीज़ है, वो भी आपने नहीं छोड़नी, ठीक है। एक ए टू जी जो है आप लोगों ने सीखना है, समझ के करना है, वैसे ही जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलो यार वीडियो शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात कहूँगा, जो चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक आ सके। चैनल सब्सक्राइब किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया आपको यहाँ पे वीडियोस नहीं मिलेगी नेक्स्ट वाली, तो आपने बेल आइकन भी प्रेस करना और चैनल सब्सक्राइब भी करना। सो गाइज, डोमेन भी हमने कनेक्ट कर लिया है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे ब्लॉग की SEO सेटिंग करना, जिसकी वजह से आपका ब्लॉग गूगल की सर्च में आना स्टार्ट हो जाए। कोई भी पर्सन आए यहाँ पे आके गूगल पे आपकी साइट का नेम लिखे, जैसे कि यहाँ पे मीडियम, ठीक है, medium.com वाली साइट है, कोई मीडियम लिखता है तो medium.com ये साइट सबसे ऊपर आ गई और इस तरह से आपको ये देखने को मिल गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहते हो आपकी वेबसाइट भी गूगल की सर्च में टॉप पे आए, उसके लिए आप लोगों ने क्या काम करना है, SEO सेटिंग करनी है। अब SEO सेटिंग क्या होती है वो भी A to Z आपको सिखाता हूँ लाइव, तो वीडियो अच्छे से देखनी है, स्किप नहीं करनी। तो चलो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे टाइटल आपने दिया हुआ है अपने ब्लॉग का, टाइटल जो आप रखना चाह रहे हो, ठीक है, हमने यहाँ पे दे रखा है पहले से। उसके बाद आती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमने पहले से यहाँ पे लिखी हुई है। आप लोगों ने क्या काम करना है, जिस नेम से आपका ब्लॉग है उसके रेलिवेंट 2-3 कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे कि मेरे ब्लॉग का नेम था डिजिटल अभी, मैंने ये वाला कीवर्ड यहाँ पे सर्च करके रखा हुआ है क्योंकि मेरे चैनल का नेम था, ये कोई कीवर्ड नहीं है, लेकिन मैं इसे कीवर्ड बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर लोग मुझे इसी नेम से अब सर्च करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इस नेम को यहाँ पे स्टार्ट पे लिखा है। देखिए यहाँ पे ब्लॉग का नेम जो रखा है ना आपने, ये स्टार्ट पे लिखना है इस तरह से, इसे कोमा लगा के, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अगेन लिखना है वेलकम टू डिजिटल अभी, ठीक है, यानी अपना वेलकम टू अपने ब्लॉग का नेम लिखना, ब्लॉग नेम, वेलकम टू ब्लॉग नेम ऊपर। उसके बाद आपने थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखनी है और यहाँ पे कुछ कीवर्ड लिखना है, प्रोफेशनल यूट्यूबर। यहाँ पे देखिए ये वाला कीवर्ड है ना, अगर आकर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं गूगल की सर्च में आता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ प्रोफेशनल, इतना लिखता हो तो देखो यहाँ पे YouTube इतना लिखा है और यहाँ पे ये कीवर्ड आ चुका है प्रोफेशनल यूट्यूबर। इस तरह से आप लोग YouTube की सर्च में जाके ये कीवर्ड ले सकते हो, Google की सर्च में जाके, सॉरी Google कहना था YouTube कह दिया, Google की सर्च में जाके कीवर्ड ले सकते हो। सपोज आपका कीवर्ड है यहाँ पे, आपका ब्लॉग है कुकिंग के रिलेटेड, यहाँ पे आप लिख सकते हो कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बिगिनर, कुकिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स, ये कीवर्ड आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ की प्रोफेशनल यूट्यूबर, और यहाँ पे चैनल का कीवर्ड, टेक चैनल कीवर्ड, ठीक है, यहाँ हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, देखिए यहाँ पे ये भी एक कीवर्ड है। अगर मैं आपको यहाँ पे गूगल की सर्च में दिखाऊँ हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, देखिए ये वाला कीवर्ड है कि ये जो गूगल सजेस्ट कर रहा है कीवर्ड, मैंने उन कीवर्ड्स को यूज़ किया अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। इस तरह से आप लोगों ने इतना सा कोई 150 वर्ड तक की डिस्क्रिप्शन यूज़ करनी है, ठीक है, इतनी डिस्क्रिप्शन आपने बना ली और चले आए अपने यहाँ पे ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन के अंदर, यहाँ आके पेस्ट कर दी। 500 वर्ड लिख सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं लिखता, जितना शॉर्ट होगा उतना बेस्ट है। सेव के बटन पर प्रेस किया, शॉर्ट किस लिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इतना ही शो होगा आपको। सेव पे प्रेस किया, उसके बाद आगे नीचे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा और नीचे आगे फेव आइकन वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं आपको यहाँ पे टेम्पलेट कस्टमाइजेशन सिखाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा और नीचे आगे यहाँ पे ये प्राइवेसी सेटिंग मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, ये आपने लो करके रखनी है, तो ये आपने लो करके रखनी है। वीडियो में डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है अगर आप 30 सेकंड इसको देख लेते हो। मेरे भाई, अगर आप लोग भी ट्रेडिंग के थ्रू यहाँ पे डेली के $400 to $500 कमाना चाह रहे हो तो यार अपने भाई के न्यू चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे साइड पे आपको लाइव प्रूफ देखने को मिल रहा है, ये मेरी एक दिन की अर्निंग है 400
$15, ठीक है। इसके बाद एक और अर्निंग भी आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये 101% रियल है। देख लीजिए यहाँ पे 337 नेक्स्ट डे की अर्निंग, यानी डेली की 400, 500, 300, 600 जिस तरह ट्रेंड आपको मिल जाए ट्रेडिंग के अंदर, इतनी अर्निंग आप इजीली कर सकते हो। अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो, तो भाई आपको सिखाएगा, मैंने नया चैनल बना लिया ट्रेडिंग के लिए, प्रो ट्रेडिंग टिप्स, इस नेम से इंस्टाग्राम का अकाउंट भी बनाया है, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी नीचे मिलेगा, उससे भी फॉलो करना जाके ताकि ट्रेडिंग टिप्स आपको मिल सके। और इसके अलावा आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना, चैनल का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चैनल सब्सक्राइब करना। और एक वीडियो आपने पूरी देख लेनी है, जाके कोई एक वीडियो पूरी देखनी है, अगर आप लोग ट्रेडिंग नहीं भी करना चाह रहे तो यार तब भी जाके भाई को सपोर्ट करो, भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्रो ट्रेडिंग टिप्स चैनल का, वहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और एक वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपके भाई को भी यहाँ पे सपोर्ट मिल सके आपसे। आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत करता है, आपने मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, सिर्फ 5 मिनट देने हैं, जाके चैनल सब्सक्राइब करना है, कोई एक वीडियो पूरी देख लेनी है, उसके बाद मैक्सिमम पोस्ट आपकी ब्लॉग के ऊपर, पेज के ऊपर कितनी शो हो वो आप लोगों ने देख लेना, 10 तक या 7 तक सही रहती है, मैं 10 कर रहा हूँ तो आप देख लो आपको कितनी अच्छी लगती है, या एक पेज पर कितनी, यानी ये एक ब्लॉग है इस पेज पर कितनी पोस्ट होनी चाहिए। अभी इसकी कस्टमाइजेशन होगी नेक्स्ट वीडियो में, टेंशन नहीं लेनी है आपने। नीचे आगे, अगेन नीचे आगे, थोड़ा सा और नीचे आगे, टाइम फॉर्मेट आप लोगों ने अपने हिसाब से सेट कर लेना, अपनी कंट्री के हिसाब से। मेटा टैग्स के अंदर आना है, अलो कर देना है। एनेबल सर्च इंजन डिस्क्रिप्शन, ये कौन सी डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे सर्च इंजन में यहाँ पे शो हो रही है, इसे कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, सर्च डिस्क्रिप्शन पे आए और यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखी है ये वाली यूज़ कर ली, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, इतना हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, ये अपना कीवर्ड पूरा किया, 150 वर्ड तक आप लिख सकते हो। यहाँ पे सेव के बटन में प्रेस किया और यहाँ पे देखिए मेरी यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन आ चुकी है। अब कुछ दिन के अंदर ये शो होगी गूगल पे भी, ऐसा नहीं है फोन नहीं शो हो। अभी हमने गूगल वालों को बताया भी नहीं है कि हमने ब्लॉग बनाया, गूगल को भी बताए गए, यानी साइट इंडेक्स करे गए गूगल सर्च कंसोल पे बाद में, अभी नहीं। उससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे एनेबल कस्टम रोबो डॉट TST करना है, यहाँ पे आ जाना है, इसे लो किया और यहाँ पे आ गए गूगल की सर्च में, कस्टम रोबो डॉट TST जनरेटर फॉर ब्लॉगर पे प्रेस किया, यहाँ पे काफ़ी सारे आ गए, आपने किसी भी एक के ऊपर चले जाना और यहाँ पे आके क्रिएट कर लेना। ये वाला अच्छा नहीं लगता मुझे, यहाँ पे ये वाला है लेबनॉल, ठीक है, lebnol.org, यहाँ पे आ गए और अपने ब्लॉग का यहाँ पे आप लोगों ने URL कर दिया पेस्ट, यहाँ पे आके अपने ब्लॉग का URL पेस्ट किया और यहाँ पे जनरेट साइट मैप किया और यहाँ पे ये आपका साइट मैप आ चुका है। यहाँ पे आके इस वाले साइट मैप को कर लो कॉपी, यहाँ पे इधर से लेके आपने स्टार्ट करना है, इधर से लास्ट तक जितना भी है आपने इतना कॉपी किया, यहाँ पे आके कस्टम रोबो डॉट TST के अंदर आके इस टेक्स्ट को कर देना पेस्ट। ये पूरा नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूँ पूरा कैसे होगा ये। अब ये वाला आप देख लो टेस्ट, यहाँ पे ये इतना लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसे एक नोटपैड के ऊपर लिख देता हूँ, देखे यहाँ पे आप इसे देख लो, सेम एज इट इज़ अपना लिख लेना। और यहाँ पे ये जो लिंक है ना, लिंक की जगह आप लोगों ने अपने ब्लॉग का लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है, जैसा कि हमारे ब्लॉग का लिंक यहाँ पे ये कॉपी ये है, इसे हमने किया कॉपी और यहाँ पर आके इस वाले लिंक की जगह ये वाला लिंक कर दिया। यहाँ मैं example.com छोड़ दूंगा, इतना टेस्ट आप लोगों ने लिखना है, ठीक है, इतना यहाँ से किया कॉपी, ये देख लो ध्यान से, एज इट इज़ आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद आगे अपने ब्लॉग के अंदर यहाँ सेटिंग के अंदर और यहाँ पे आगे से पेस्ट कर दिया, ठीक है, एज इट इज़। सेव के बटन पर प्रेस किया, इतना काम आप लोगों ने कर लेना, यहाँ पर जाके चाहे ना बनाओ, ठीक है, जैसे मैंने बताया ऐसे कर लो। एनेबल कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स, यहाँ पर इसे लो कर दो। होम पेज टैग्स के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे नो इंडेक्स, नो DP, ठीक है, सेव। आर्चीव एंड सर्च पेज टैग, नो इंडेक्स, नो DP, सेव। देन आप लोगों ने पोस्ट एंड पेज टैग्स के अंदर आना और यहाँ पे ऑल, नो DP, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट करना है, सेव कर देना है। यहाँ पे आई होप आपको ये समझ आ गया और मैंने ये क्या काम करके दिखाया। सर्च कंसोल वाली वीडियो भी अलग से आएगी, एक वीडियो में इतना कुछ आपको अगर बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मेरे भाई मैं आपको यही कहूंगा कि पार्ट्स के अंदर ही वीडियो देखो, वही बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो एक पार्ट देखो, उसको अप्लाई करो, देन आप नेक्स्ट पार्ट देखो। यहाँ पे इतना काम हमारा हो चुका है, तो अगर आपको इतनी समझ आ गई है तो कमेंट्स में बताओ हमें समझ आ गई, और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकन प्रेस करके ऑल के बटन पर प्रेस करो।
और यहाँ पे जल्दी से भाई के यार 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ, ताकि आपको भाई आपके लिए कोई गिव अवे लेके आ सके। जैसे पहले पेड होस्टिंग आपको फ्री में आपका भाई प्रोवाइड करता है, इस दफ़ा कोई बड़ा गिव अवे आएगा 100K सब्सक्राइबर्स पे। आई होप यार आपने अपने ब्लॉगर की SEO सेटिंग कर लिया है। अगर कर लिया तो नीचे कमेंट्स करके बताओ जी भाई हमने SEO सेटिंग कर लिया है। इसके अलावा वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है मुझे इस तरह की नई नई वीडियोस लेके आने के लिए। आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कैसे आप लोग पेजेस क्रिएट कर सकते हो ताकि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिले।